हेलो। देखिए क्वेश्चन नंबर, देखिए क्वेश्चन 22। क्या निकालना? देखिए आपको मशीन है, कॉस्टिंग कितना 12 लाख, लाइफ कितना 5 ईयर, स्क्रैप वैल्यू 2 लाख, एसएलए मेथड है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ है, तो डेप्रिस माइनस करेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा, फिर डेप्रिस उसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ है तो टैक्स माइनस करेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा, फिर डेप्रिस ऐड करेंगे और कैश इनफ्लो और वर्क, ये स्क्रैप वैल्यू लास्ट ईयर में ऐड होगा, अगर वर्किंग कैपिटल रहेगा तो लास्ट ईयर में ऐड होगा, ठीक है? तो कैश इनफ्लो निकालिए पहले, उसके बाद क्या करना बताएंगे आपको आगे। तो पहले क्या निकालिए? कंप्यूटेशन ऑफ कैश इनफ्लो। कैश इनपुट निकाली पहले, ईयर दिया आपको यहाँ पे, आपके पास अर्निंग बिफोर टैक्स है, ईबीटी आपके पास है कितना? कितना बताइए? 480, 560, 640, 4 लाख, 320। टैक्स कितना परसेंट बताइए? 40%। अर्निंग ऑफ टैक्स लेस एड डेप्रिसिएशन ऐड करिए, फिर इसके बाद टैक्स माइनस करिए, डेप्रिसिएशन ऐड करिए, कितना कॉस्ट बताइए यहाँ पे? 12 लाख, स्क्रैप कितना? 2 लाख, फाइव, उसके बाद ऐड स्क्रैप वैल्यू लास्ट ईयर में आ गई है 2 लाख, और वर्किंग कैपिटल अगर रहेगा तो वो भी लास्ट ईयर में ऐड होगा, समझ गया? कैश फ्लो निकाले पहले, टैक्स माइनस के 40%, 480 का 40% कितना आएगा? 160 और 32, 192, और इसका 40% 2 लाख 24, इसका 240 और 16 256, इसका 160, इसका 128, ठीक है? तो माइनस करने के बाद टू एटी एट, इसमें 3 लाख 36, इसमें 3 लाख 384,
इसे 240, इसमें 192, फिर डेप्रिसिएट ऐड करिए, इसका वैल्यू बच गया कितना, 488। कैसे निकला गया बोलिए, 488, 536, 584, 440, 592। चेक कर लीजिए कैलकुलेशन सब सही है ना। यहाँ तक ईबीटी माइनस टैक्स क्या हो गया बताइए, अर्निंग आफ्टर टैक्स, ऐड डेप्रिसिएशन, ऐड स्क्रैप वैल्यू, क्या आएगा सब ऐड करने के बाद, कैश इनफ्लो। ठीक है यहाँ तक बोलिए, ईबीटी माइनस टैक्स, अर्निंग आफ्टर टैक्स, ऐड डेप्रिसिएशन, ऐड स्क्रैप वैल्यू, सब ऐड करने के बाद क्या आएगा, कैश इनफ्लो। ठीक है तो इसके बाद देखिए, कैश इनफ्लो हो गया, अब क्या निकाला इसके बाद, डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई कीजिए, तो कंप्यूटेशन ऑफ पीवीआईएफ एनपीवी इनफ्लो ले लीजिए, ठीक है तो उसके बाद देखिए, ईजीपी मतलब क्या हुआ, ईजीपी क्या हुआ, पीवीआईटी निकालेंगे हम लोग अभी डिस्काउंट फैक्टर मल्टीप्लाई करने के बाद, एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू, हेलो हाँ, लास्ट क्लास में कराया था ना नेट प्रेजेंट वैल्यू को एक्सम, एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू, तो फॉर्मूला क्या था इसका बताइए, पीबीपी पेबैक पीरियड अलग है, पेबैक पीरियड अलग था वो हो गया लास्ट क्लास में, अभी हम लोग का नेट प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, लास्ट क्लास में एक्सम नहीं किए थे हम लोग परसों, क्वेश्चन नंबर 18 किया था ना, ठीक है लिख लीजिए अगर आपने किए थे लास्ट क्लास में, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, बस प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो, तो पहले इनफ्लो निकाल ली, कैश इनफ्लो कितना कितना आया, देखिए कैश इनफ्लो कितना आया अभी 488,
536 584 440 592 ये कैश इनफ्लो हो गया। इसके बाद पी फैक्टर दिया, कॉस्ट कितना है, देखिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना परसेंट है, 50%, तो डिस्काउंट फैक्टर आपको दिया रहेगा। और नहीं दिया रहेगा तो निकालने पड़ेगा ना आपको 1/(i)n, पी फैक्टर कैसे निकालते हैं, 1/(i)n, अगर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। 0. कितना है यहाँ पे, 86, फिर 0.75, 0.657, 0.518, 0.49। अब दोनों मल्टीप्लाई करिए, अगर नहीं दिया रहेगा तो बताएंगे आपको वापस से कैसे करना है, ठीक है। फिर क्या निकाले, पीवीआईएफ, प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो ए इंटू बी, तो टोटल पीवीआईएफ, पीवीआईएफ मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, फिर लेस क्या करिए इसमें, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो कितना बताइए, आउटफ्लो माइनस कर दीजिए बस, तो आउटफ्लो कितना बताइए यहाँ पे, आउटफ्लो है 12 लाख, कॉस्ट कितना बताइए मशीन का, 12 लाख, तो माइनस करने के बाद क्या आएगा फिर, एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। पी फैक्टर फॉर्मूला कैसे बताइए, पी फैक्टर कैसे निकालते हैं, 1/(i)n, आई कितना है, 15%, 0.15, तो यहाँ पे तो आई दिया हुआ है क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं है। अब सबको मल्टीप्लाई करके ऐड करके टोटल कितना आ रहा है, टोटल पीवीआईएफ, और पीवीएफ जब निकालेंगे डेसिमल में मत लीजिएगा, उसको राउंड ऑफ कर दीजिएगा, पीवीआईएफ जब निकालेंगे आप मल्टीप्लाई करने के बाद जो अमाउंट आएगा उसको राउंड ऑफ करके लिखिएगा, ठीक है। सबको ऐड करके देखिए कितना आ रहा है, सबको मल्टीप्लाई करिए फिर ऐड करिए, तो कितना आ रहा है, ऐड करके देखिए कितना आ रहा है, 488 इंटू कितना करिए, 8.8696, 436 इंटू 0.7561, 584 इंटू कितना है, 0.6575, 440 इंटू 0.5718, 592 इंटू पॉइंट कितना बताइए, 4975, सबको मल्टीप्लाई करके ऐड करिए कितना है टोटल बताइए, टोटल पीवीएफ कितना आ रहा है, सबको मल्टीप्लाई करके ऐड करिए, कितना है बताइए, 1759
और ये माइनस करने के बाद 559, ठीक है। तो अगर पीवी, अगर एनपीवी पॉजिटिव आ रहा है तो हियर एनपीवी कितना बता दिया था प्रोजेक्ट, अगर पॉजिटिव आएगा या जीरो भी आएगा ना, अगर मान लीजिए तो हैंड्स क्या हो जाएगा बताइए। अगर जीरो आएगा मतलब क्या हुआ कि आपका जो कॉस्ट है 50% एग्जैक्ट कवर हो रहा है। अगर जीरो आएगा मतलब आपको कॉस्ट कितना है 50% पूरा कवर हो रहा है, और पॉजिटिव है मतलब 15 से भी ज्यादा आ रहा है, जो रिटर्न आ रहा है आपका 50% से भी, आप जितना एक्सपेक्ट करते 50% कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपका कितना था 15% उससे ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब तो हैंड्स क्या हो जाएगा बताइए द प्रोजेक्ट मे बी एक्सेप्टेड। निगेटिव आएगा तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अगर एनपीवी माइनस में आएगा तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, पॉजिटिव आएगा तो एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। तो हियर क्या हो रहा है बताइए, एनपीवी क्या आ रहा है बताइए, पॉजिटिव आ रहा है तो हैंस क्या हो जाएगा, तो प्रोजेक्ट में भी एक्सेप्टेड। समझ गया तो मे बी एक्सेप्टेड, द प्रोजेक्ट में भी एक्सेप्टेड, ठीक है। मतलब एनपीवी जीरो नहीं, जीरो आए निगेटिव नहीं आना चाहिए, और निगेटिव आएगा तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, पॉजिटिव आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है ऑफ द प्रोजेक्ट ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू साइन है, ग्रेटर देन इक्वल टू साइन है। ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो हैंस क्या हो जाएगा बताइए, प्रोजेक्ट में भी एक्सेप्टेड। समझ गया तक, बोली को डाउट इसमें, नेक्स्ट देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28। पढ़िए, इसमें आपको दिया हुआ इनिशियल कैश आउटले कितना है 5 लाख है, और वर्किंग कैपिटल कितना है 20,000 है, लाइफ 6 ईयर है, और एक इन्वेस्टमेंट 50,000 है सेकंड ईयर के एंड में, और एक हो रहा है फोर्थ ईयर के एंड में। तो पहले क्या निकालिए, प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, इस क्वेश्चन में आउटफ्लो में क्या गया देखिए, एक तो इनिशियल कॉस्ट कितना बताइए पहले, अभी कितना एक्सपेंस कर रहे हैं आप, इनिशियल कितना है 5 लाख है, ऐड क्या करिए फिर इसमें, वर्किंग कैपिटल कितना दिया हुआ बताइए, कितना वर्किंग कैपिटल 20,000 प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर आउटफ्लो, एक सेकंड ईयर में हो रहा है कितना है सेकंड ईयर में बताइए, सेकंड ईयर में हो रहा है 50,000, और उसको अभी सेकंड ईयर एंड में, लेकिन हम लोग क्या निकाला प्रेजेंट वैल्यू, तो इसको डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करिए 694 से 0.694, समझ गए क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि ये जो 50,000 सेकंड ईयर एंड में हो रहा है तो हम लोग को अभी चाहिए, अभी कितना हो रहा है तो ये 2 साल के बाद हो रहा है, तो अभी करेंगे तो कितना हो जाएगा
0.694, मतलब इंटरेस्ट के साथ 50,000 है, तो अभी अगर करेंगे तो विदाउट इंटरेस्ट। और एक और फोर्थ ईयर में सेकंड ईयर फोर्थ ईयर में कितना है, 0.482, सबको ऐड करके देखिए कितना आ रहा है, करिए 50,000 × 6.694 कितना आ रहा है बताइए, पहले 50,000 × 0.694 कितना आ रहा है, 50,000 × 0.694 कितना आ रहा है, 50,000 × 0.694 कितना आ रहा है, मल्टीप्लाई करके देखो 3,4,700। और एक और है 50,000 × 0.482 कितना आ रहा है, 24,100। और सबको ऐड कर दीजिए तो कितना आएगा आउटफ्लो बताइए, टोटल सबको ऐड करने के बाद कितना आ रहा है बताइए, 578,800। ठीक है, सेकंड क्या देखिए, उसके बाद अच्छा कैश इनफ्लो कितना, बड़े कैश इनफ्लो कितना डाल दिया हुआ है, लास्ट ईयर में क्या होगा, जो कैश इनफ्लो दिया है ना आपको यहाँ पे फॉर लास्ट ईयर, सिक्स ईयर का देखिए इनफ्लो गिवन कितना बताइए पहले आपको, इनफ्लो कितना दिया था, 3 लाख। और लास्ट ईयर में खाली क्या होगा, आपका स्क्रैप वैल्यू ऐड होगा, यहाँ कैश इनफ्लो आपको दिया हुआ हर एक ईयर का, तो जो स्क्रैप वैल्यू है वो किसमें ऐड होगा, सिर्फ स्क्रैप वैल्यू कितना दिया हुआ बताइए, 20,000, ये लास्ट ईयर में ऐड होगा। और वर्किंग कैपिटल रिलाइज हो रहा है वो भी फुल अमाउंट हो रहा है, ये भी कितना हो रहा है, फुल अमाउंट मतलब 20,000, 340 हो गया। समझ गया इनफ्लो कैसे आएगा, इनफ्लो कितना 3 लाख दिए हुए, इसका वैल्यू 20,000 और वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड कितना आएगा, लास्ट ईयर में आएगा सर रिलाइज कितना 20,000, सब मिला कितना हो गया 340 हो गया टोटल। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको डिस्काउंट इफेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले कैश इनफ्लो आपके पास फर्स्ट ईयर का है, सेकंड ईयर का है, थर्ड ईयर का है, फोर्थ ईयर का है, फिफ्थ ईयर का है, और सिक्स ईयर में 340 हो जाएगा, फिर इसको डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो PVIF आएगा, प्रेजेंट वैल्यू इनफ्लो, फिर उसमें आउटफ्लो माइनस कर देंगे, NPV आ जाएगा। बस मतलब इस क्वेश्चन में कैश इनफ्लो आपको डायरेक्ट दिया हुआ है, और ईजी क्वेश्चन था ये, खाली इसमें आउटफ्लो निकालना था आपको मेन, समझ गए। अब क्या करें इसके बाद, कंप्यूटेशन ऑफ NPV, इनफ्लो को दिया हुआ है, तो फर्स्ट ईयर में कितना इनफ्लो बताइए, फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट ईयर में कितना है, 80,000, सेकंड ईयर में कितना है, 120, थर्ड ईयर में कितना है, 180, फोर्थ ईयर में कितना है, 2 लाख,
50 में कितना है 260 और 60 में कितना है 3 लाख। फिर उसके बाद पी फैक्टर कितना परसेंट आएगा बताइए, एट द रेट ऑफ कितना परसेंट बताइए, 20%। कितना 0.833, 0.694, 579, 482, 402, 335। अब पीवीआईएफ कितना है कंपेयर करिए दोनों को, ए इंटू बी सबको ऐड करिए, उसके बाद टोटल आएगा पीवीआईएफ लेस ठीक है। तो आउटफ्लो कितना है तो बताइए, अभी आप निकाले ना, सॉरी 5788 double 0 5788। और इनफ्लो कितना बजे टोटल, इनफ्लो को ऐड करिए टोटल कितना आ रहा बताइए, 340 होगा लास्ट ईयर का, ठीक है सब कमेंट पे करिए ऐड करिए, इसके बाद कितना ऐड करने के बाद कमेंट पे करने के बाद टोटल करिए कितना आ रहा है पी वी आई एफ, सबको मल्टीप्लाई करके ऐड करिए, तो टोटल कितना आ रहा है पी वी आई एफ, 5688 5688 960। और आउटफ्लो कितना माइनस करिए, तो एनपीवी कितना आएगा बताइए फिर माइनस करने के बाद, माइनस में आ रहे हैं, निगेटिव आ रहे हैं, तो यार मतलब जितना आपका कॉस्ट है 20% उससे कम आ रहा है, इसका मतलब आपका जो कॉस्ट है 20% अगर वो एग्जिट होता है तो एनपीवी जीरो होता है यहाँ पे, ठीक है निगेटिव आ रहा है, मतलब क्या हुआ बताइए, हियर एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट इज निगेटिव आ रहा है, निगेटिव आएगा तो क्या हो जाएगा बताइए, hence the project should not be
एक्सेप्टेड, मतलब प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे हम लोग, समझ गए? Hence the project should not be accepted. ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 25 करिए, इस पे भी एनपीवी निकालना है आपको. ईबीडीआईटी दिया हुआ है, मतलब अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट एंड टैक्स. तो पहले डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, इंटरेस्ट नील है नहीं दिया हुआ है, फिर टैक्स माइनस करेंगे, तो ईबीडीआईटी माइनस इंटरेस्ट माइनस डेप्रिसिएशन करने के बाद क्या आएगा, अर्निंग बिफोर टैक्स. टैक्स माइनस करेंगे अर्निंग आफ्टर टैक्स, फिर लास्ट में डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे और स्क्रैप वैल्यू ऐड करेंगे, वर्किंग कैपिटल ऐड करेंगे, तो कैश इनफ्लो आ जाएगा. और आउटफ्लो कैसे आएगा देखिए, अभी कितना कॉस्ट आपका 250, वर्किंग कैपिटल कितना 60 ऐड करेंगे, और एक 10,000 कब चाहिए आपको, सेकंड ईयर के बिगनिंग मतलब फर्स्ट ईयर के एंड में, सेकंड ईयर बिगनिंग मतलब फर्स्ट ईयर एंड, तो उसमें डिस्काउंट इफेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट ईयर से. और एक और आपको फोर्थ ईयर में चाहिए 50,000 का, नहीं बस एक ही तो है. ठीक है, स्टार करिए, पहले लिखिए 25 नंबर. तो कैसे आगे देखिए, टोटल पहले क्या निकालिए आप, आउटपुट निकालिए, इनिशियल कितना कॉस्ट बताइए, पहले कॉस्ट नजर बताइए 250, इनिशियल कॉस्ट कितना बताइए, प्लस इनिशियल वर्किंग कैपिटल कितना बताइए, एक शुरू में आपको कितना वर्किंग कैपिटल 60,000, और एक आपका 10,000 हो रहा है सेकंड एडिशनल वर्किंग कैपिटल सेकंड ईयर बिगिनिंग में, परसेंट वैल्यू ऑफ एडिशनल वर्किंग कैपिटल कब हो रहा बताइए, सेकेंड ईयर बिगिनिंग मतलब क्या हो गया, फर्स्ट ईयर एंड, तो इसमें जो डिस्काउंट इफेक्ट लेंगे ना फर्स्ट ईयर का लेंगे, 10,000 इंटू कितना हो जाएगा बताइए, 0.893, तो 8930 ऐड करने के बाद 3,318,930. ठीक है, यहाँ तक 250 प्लस वर्किंग 60,000, और एक आपको जो एडिशनल कितना हो गया 10,000, ये कब चाहिए, सेकंड ईयर बिगिनिंग ही चाहिए, मतलब सेकंड ईयर बिगिनिंग मतलब क्या हो गया, फर्स्ट ईयर एंड. ठीक है, फिर क्या निकालिए, कंपटीशन ऑफ कैश इनफ्लो, याद हो गया, पहले आप लोगों को बताइए 250 प्लस 60 प्लस 8930 318930, उसके बाद कैश इनफ्लो निकालिए आप, तो ईयर एंड कौन कौन सा बताइए आपको, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो ईबीडीआईटी कितना होगा बताइए, 80,000, 90,000, 145, 120, डेप्रिसिएशन कितना कितना है बताइए, डेप्रिसिएशन आपको दिया है यहाँ पे 75,
फिर कितना है 62, फिर 48, 25, इंटरेस्ट नहीं है, ईबीडी आगे माइनस करने के बाद ईबीडीआईडी था पहले माइनस डेप्रिसिएशन, माइनस क्या करें इसके बाद इंटरेस्ट सब माइनस करने के बाद क्या आएगा ईबीटी, ठीक है, फिर लेस क्या करिए इसमें, अब टैक्स इतना बताइए, अब टैक्स इतना परसेंट है बताइए, टैक्स इतना परसेंट है 40%, सॉरी 30%, वन फाइव डबल जीरो, एट फोर डबल जीरो, टू नाइन वन डबल जीरो, माइनस करें टैक्स, ईबीडीआईटी माइनस डिप्रिसिएशन माइनस इंटरेस्ट क्या होगा ईबीटी माइनस टैक्स, ठीक है यहाँ तक, टैक्स माइनस करने के बाद क्या होती है फिर अर्निंग ऑफ टैक्स, अर्निंग ऑफ टैक्स आएगा तो 3500 इसके बाद 28,000 माइनस 8,400 कितना हो रहा है बताइए 19,600 97,000 माइनस करिए 29,100 67,900 और उसके बाद 66,500 ऐड डेप्रिसिएशन ऐड कर दीजिए कितना कितना रखिए डेप्रिसिएशन 75 उसके बाद 62 इसके बाद 48 25 ठीक है फिर क्या ऐड करें इसके बाद वर्किंग कैपिटल रिलाइज्ड कितना है वर्किंग कैपिटल रिलाइज्ड फुल अमाउंट तो पहले था आपका 60 था पहले बाद में 10 70,000 पहले कितना था 60,000 था इनिशियल और बाद में 10,000 और इन्वेस्ट किए थे आप तो रिकवर कितना होगा 70 होगा रिकवर और स्क्रैप वैल्यू आएगा लास्ट ईयर में आएगा स्क्रैप वैल्यू कितना स्क्रैप वैल्यू थी लास्ट ईयर में 40,000 वर्किंग कैपिटल 60 और 10 70 आएगा समझे 60 पहले तो इनिशियल और 10,000 बाद में इन्वेस्ट किए थे आप तो फुल अमाउंट आएगा इसका प्रेजेंट वैल्यू नहीं लेना है आपको 10,000 फुल अमाउंट लेना है 8,930 मत लीजिएगा फुल अमाउंट लीजिएगा ठीक है फिर ऐड करने के बाद कैश इनफ्लो 78,500 81,600
115,900, और लास्ट वाला कितना रहा बताइए, चार ऐड करिए 66,500 प्लस 25,000 प्लस 40 प्लस 70 110 135 2,01,500 चेक कर लीजिए एक बार, ठीक है 78,500 हो गया, 81,600 हो गया, 115,900 और उसके बाद 110,135 2,01,500 सब कट कर दिए, कैश इन फ्लो आ गया। इसके बाद क्या निकालिए आप, PIF कंप्यूटेशन ऑफ एनपीवी, ठीक है। उसके बाद डिस्काउंट इफेक्ट कितना परसेंट देखिए, 12% कितना है, 0.893, 0.797, 0.712, 0.636। दोनों मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, PVIF टोटल आएगा, PVIF इधर टोटल बताइए, PVIF सबको मल्टीप्लाई करके ऐड करिए, सबको मल्टीप्लाई करके ऐड करिए, कितना रहा बताइए, कितना बोले, 3,48,3,45,810 माइनस करिए 318,930 कितना है माइनस करने के बाद,
माइनस करने के बाद टू सिक्स एट एट जीरो, तो पॉजिटिव आ रहा था, क्या हो जाएगा बताइए। तो हियर एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट की एक्सेप्ट पॉजिटिव, हेंस प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 करिए। 23 में देखिए इनिशियल आउटलेट 80 है और एडिशनल 40 है, तो ये आपका ऐड हो जाएगा। आउटफ्लो कितना 80-20 हो गया, आउटफ्लो आउटफ्लो कितना 2,80,000 और 40,000 टू 320 हो गया। और कैश इनफ्लो आपको दिया हुआ है, डायरेक्ट कैश इनफ्लो आपको डायरेक्ट दिया हुआ है, लेकिन बिफोर टैक्स है ये, मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपको दिया हुआ है। कैश इनफ्लो बिफोर टैक्स मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो टैक्स माइनस करिए फिर डेप्रिसिएशन ऐड करिए, इसका वैल्यू ऐड करिए, तो कैश इनफ्लो आ जाएगा। ट्राई करिए आप लोग, चलिए 23 पर ट्राई करिए आप लोग, चलिए 5 मिनट दे रहे हैं आप लोग को। ठीक है, इसमें नया क्या है कि डिस्काउंट इफेक्ट दिया हुआ नहीं है, निकालना पड़ेगा आपको 1/1.5 पावर n। ठीक है, तो ट्राई करिए 23 नंबर आप लोग, 5 मिनट दे रहे हैं आप लोग को। हेलो, हो गया था तो कितना मल्टीप्लाई करने के बाद, ऐड करने के बाद ये 23 नंबर देखिए, देखिए आउटफ्लो कितना आएगा बताइए, इनिशियल कॉस्ट कितना बताइए 280, प्लस वर्किंग कैपिटल, सी 20, उसके बाद आउटफ्लो कितना कितना बताइए यहाँ पे,
आउटफ्लो कितना देखें यहाँ पे, तो पहले आपके पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, वन ईयर कौन कौन सा बताइए, वन टू थ्री फोर फाइव, कैश इनफ्लो बिफोर टैक्स मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना कितना बताइए यहाँ पे, 120, 1 लाख, 85, 95, 90, लेस करी टैक्स, टैक्स कितना परसेंट बताइए, 40%, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर ऐड क्या करिए इसमें, डेप्रिसिएशन कितना आएगा बताइए, कितना कॉस्ट है बताइए यहाँ पे, 2,80,000, स्क्रैप वैल्यू दिया हुआ नहीं है, लाइफ कितना 5 ईयर, 56, ठीक है, और स्क्रैप वैल्यू है ना यहाँ पे, स्क्रैप वैल्यू कितना 25,000, 20 माइनस 25 डिवाइड फाइव कितना आएगा बताइए, 51 इसका वैल्यू किसमें आएगा, लास्ट ईयर में आएगा, कितना इसका वैल्यू 25, सब ऐड करने के बाद क्या है, कैश इनफ्लो आएगा, तो कितना कितना आ रहा है बताइए, फर्स्ट ईयर में टैक्स माइनस के 40%, 120 माइनस 40% कितना हो गया, 48,000, और 85 को 40%, 40% 85% 40%, कितना आ रहा बताइए, 32,000-34,000 ना, और इसका 38, 36, तो यहाँ कितना है माइनस करने के बाद, 72, 60, यहाँ पे 51, यहाँ पे 57, यहाँ पे 54,
डेप्रिसिएशन को दिया है 51,000 आएगा। कॉस्ट कितना देखिए यहाँ पे 280 है, स्क्रैप वैल्यू कितना है 25,000 और लाइफ कितना ईयर है 5 ईयर है। ठीक है, बोले गुड आउट यहाँ तो अब सब ऐड करिए तो फर्स्ट वाला कितना रहा बताइए 52 और 51 कितना हो गया बताइए 123 111 101 108 और यहाँ पे 1,26,000 1,25,26 130। ठीक है, वन ट्वेंटी थ्री 111 101 1,08,000 130 कैश इनफ्लो। ठीक है यहाँ तक, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है। याद हो गया सब कैसे फ्लो 1,02,000 कौन सा बताइए कौन सा वाला 1,02,000 थर्ड नंबर 1,02,000। ठीक है, इसके बाद फिर क्या करिए आप, वो क्या था 1,02,1,08,130 इसके बाद क्या करिए 1,08,130 निकालिए। इनफ्लो कितना कितना देखिए फर्स्ट ईयर में कितना है बताइए 123 111 1,02,000 108 130 और पीपीएफ कितना परसेंट बताइए एट रेट ऑफ 10%। आउटफ्लो कितना 320,000 और लास्ट में कितना बताइए इनफ्लो
एड वर्किंग कैपिटल, वन सेवेंटी। लास्ट ईयर में कितना था बताइए, वर्किंग कैपिटल भी था तो 170 था लास्ट ईयर में, ठीक है। वर्किंग कैपिटल कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो पूरा रिकवर हो जाएगा लास्ट ईयर में, तो 170 हो जाएगा यहाँ पे। वर्किंग कैपिटल भी ऐड होगा लास्ट ईयर में, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करिए तो आई कितना है, 10% है। तो कैलकुलेटर में क्या करिए, 1 / 1.10 लिखिए, इक्वल टू प्रेस करते जाइए, बस आते जाएगा। कैलकुलेटर में क्या करिए, 1 / 1.10 लिखिए पहले, तो इक्वल टू प्रेस करते जाइए, लाइन बाय लाइन आते जाएगा। 1 / 1.10 करिए पहले, उसके बाद इक्वल टू प्रेस करते जाइए, बस कुछ नहीं करना आपको। 0.4 decimal, 0.90 इक्वल टू प्रेस करते जाइए, बस इक्वल टू खाली प्रेस करते जाइए। सेकंड कितना आएगा, 0.9091, फिर इक्वल टू प्रेस करिए, कितना आ रहा है बताइए, 4 decimal में लीजिए। आई 10% है, 0.9091, फिर कितना आएगा, 0.4 decimal में लीजिए, 1 / 1.10 पावर 1 हो गया, फिर सेकंड में पावर 2 हो जाएगा, पावर 3 हो जाएगा, पावर 4 हो जाएगा, पावर 5 हो जाएगा। फर्स्ट में पावर 1 है, सेकंड में पावर 2 है, तो आपको कुछ नहीं करना है कैलकुलेटर में, 1 / 1.10 लिखिए पहले, इक्वल टू प्रेस करिए, फिर इक्वल टू प्रेस करिए, फिर आ जाएगा अपने आप। कितना रहा सेकंड ईयर का बोलिए, 8264 इक्वल टू प्रेस करिए, 7513 इक्वल टू प्रेस करिए, 6830 इक्वल टू प्रेस करिए, 6209। अब सबको मल्टीप्लाई करके टोटल ऐड करिए, सबको मल्टीप्लाई करके ऐड करिए, कितना है टोटल, 4599499।
और आउटफ्लो कितना बताइए 320, तो एनपीवी कितना आ रहा माइनस करने के बाद, पॉजिटिव आ रहा है, कितना आ रहा है बताइए 139, तो हैंस क्या हो जाएगा बताइए द प्रोजेक्ट, शुड बी एक्सेप्टेड, पॉजिटिव आएगा तो प्रोजेक्ट क्या करेंगे हम लोग एक्सेप्ट करेंगे, बस हो गया, समझे कैसे करना है। तो नेक्स्ट क्लास आपको फ्राइडे को है सेम टाइम 3:30, अभी आपको क्लास मंडे वेडनेसडे फ्राइडे सैटरडे रहेगा, ठीक है, मंडे को रहेगा वेडनेसडे रहेगा फ्राइडे रहेगा और सैटरडे रहेगा इस वीक में। ठीक है, तो बोलिए डाउट इसमें तो एंड द मीटिंग, होमवर्क रहेगा ऑल एनपीवी एक्सेप्ट आईएलएस, आईएलएस छोड़ के ठीक है, खाली आईएलएस बाकी है, तो एनपीवी का जितना समय से बना के लाओगे आप लोग देख लीजिए विदाउट इसमें। हो गया आप लोगों का सिमरन बजाज, हो गया आपका जसलीन, इंदु शर्मा, अंकिता, गुड आफ्टरनून, बोलिए हेलो, ठीक है क्लास ऑफ करते हैं आज का।